संयुक्त मोर्चा का FDI के विरुद्ध में BCCL मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन। BCCL, CCCL, ECCL समेत अन्य कोयला कंपनियों के उत्पादन ठप। ऐसी कोई सूचना वार्ता के संबंध में हम लोगों को नहीं है। हम लोग कोयला भवन में जो विभिन्न संगठन के, जिसमें हमारा CITU, ATAC, HMS के दोनों फ्रैक्शन, JMS बच्चा गुट, JMS कुंती गुट, ये ATAC के साथी, ATAC के साथी जितने भी हैं, हम लोग आज हड़ताल पे हैं। BMS का आपको विदित है कि 23 से 27 तक के लिए BMS ने कॉल किया। हमारे कॉल के बाद संयुक्त मोर्चा में शामिल CITU, ATAC, ATAC और HMS के रांची में हुए अधिवेशन के बाद जो घोषणा हुआ था 24 सितंबर के, इसके बाद BMS के लोगों ने 23 से 27 का घोषणा किया। हम लोग 24 सितंबर के दिन आज जितने भी पांचों संगठन हैं वो उसके कॉल पर हड़ताल में हैं। हड़ताल पूर्ण रूप से सफल है, यहाँ ही नहीं बल्कि कोलेरी इलाकों में भी पूरी तरह से सफल है। और हमको खुशी है कि नरेंद्र मोदी का ये जो तानाशाही रवैया है, नरेंद्र मोदी का ये जो नादिरशाही फरमान है, नरेंद्र मोदी का जो हिटलरशाही कदम है, उसका विरोध कोयला मजदूरों ने डट करके किया है। और आने वाले दिनों में यदि इस हड़ताल से इस सरकार कोई सबक नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में और भी भयानक आंदोलन का उनको सामना करना पड़ेगा।